ये सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1 राइट्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर। अब कंपनी ऑडिटर के राइट क्या होते हैं पता है? इसमें वो राइट लिखे हुए हैं जो हम ऑडिट पे जाके निभाते हैं। मतलब जब हम किसी कंपनी की ऑडिट पे जाते हैं तो क्या क्या, जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या राइट होते हैं उनसे मंगवाने के, मैं ना साथ साथ बताऊंगा कि इन रियलिटी लाइफ में क्या होता है। फर्स्ट है राइट टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर ऑफ कंपनी विच ऑडिटर थिंक्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अब क्या होता है, वाउचिंग करते हुए, वाउचिंग जो हम टिक लगाते हैं कि हाँ ये पेपर ठीक है, ये पेपर ठीक है, सपोर्टिंग्स होती है वो, तो क्या होता है राइट टू ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन। कभी कभार हमें लगा कि यार इस वाले बंदे को कुछ ज्यादा ही सैलरी मिली हुई है, क्या ये सर की कोई बेटी बेटा या भाई बहन तो नहीं है, मतलब बॉस की, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑफिसर ऑफ द कंपनी जनरली यहाँ पर हमें अकाउंटेंट ही मिलता है, जनरली अकाउंटेंट से ही हमारी बात होती है, बड़ी कंपनी है तो और भी मतलब अकाउंटेंट ही मिलता है उस केस में भी। विच ऑडिटर थिंक्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, मतलब अब हो सकता है कि तुम टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो 3CD में रिपोर्ट करनी हो, या फिर टैक्स ऑडिट छोड़ रहे हो स्टैट ऑडिट कर रहे हो तो वहां पर बताना हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, बोगस बिलिंग तो नहीं कर रखी, तो नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑडिटर टू राइट टू एक्सेस द बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स एट ऑल द टाइम्स। होता क्या है, जब हम जाते हैं वहां पर वाउचिंग करने तो वो सारी बुक्स हमारे सामने रख देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ बुक्स और मंगवानी पड़ती हैं, जैसे कि कभी कभार वो बैंक स्टेटमेंट नहीं रखते हमें मंगवाना पड़ता है, कभी कभार TDS काटा है नहीं काटा वो हमें मंगवाना पड़ता है, सैलरी किस बेसिस पे दे रखी है तो सैलरी के वो सबूत होते हैं, जैसे कौन से, जैसे HRA कैलकुलेट किया। अब HRA तुमने जिसका कैलकुलेट किया है अपने एम्प्लॉय का, उसका जो घर है उसके सपोर्टिंग्स भी हम मांग सकते हैं, उसके पेपर्स भी लाके दिखाओ, तो वो अकाउंटेंट को दिखाने पड़ेंगे, लाता है वो। तो इसमें है राइट टू हैव एक्सेस द बुक्स। अब बुक्स इन्होंने बात करी है, मेमोरेंडम बुक, स्टेचरी बुक और फाइनेंशियल बुक। मैं बताता हूँ, मेमोरेंडम बुक्स जो होती हैं वो होती हैं परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, जो हमारे कच्चे रिकॉर्ड्स होते हैं, इसे हम कच्चे रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। स्टेचरी बुक वो होती है जैसे मिनट बुक हो गई, रजिस्टर ऑफ चार्ज हो गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया। फाइनेंशियल बुक हो गई हमारी कैश फ्लो, परचेज बुक, सेल्स बुक, हमारी जर्नल पेपर। अब मैंने तुम्हें बताया था मेमोरेंडम बुक में परचेज डे बुक, और इधर बता रहा हूँ परचेज बुक, डिफरेंस है। परचेज बुक में बस परचेजेस आएंगी, परचेज डे बुक डेली मेंटेन होती है, कच्चे रिकॉर्ड्स होते हैं कि जल्दी से एंट्री कर दी, वो बहुत कच्चे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम 3CD में बताते हैं टैक्स ऑडिट के दौरान कि कंपनी वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है कि नहीं करती, तो ये कच्चे रिकॉर्ड्स होते हैं कि स्टॉक रजिस्टर होता है कि मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए होता है कि पेशेंट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी हमें 3CD में बताना पड़ता है कि हाँ इन्होंने किया हुआ है। अब पेशेंट रजिस्टर क्या है, क्या ये ऑडिट के लिए जरूरी है? आंसर इज बिग नो, पहले तो नहीं थी लेकिन अब जरूरी है। अब पेशेंट रजिस्टर भी हमें चेक करना पड़ता है कि इनके वाउचर्स काटे हैं और एक पेशेंट रजिस्टर में कच्चे रिकॉर्ड्स बनाए कि नहीं, अभी मेरे पास कोई है नहीं वरना दिखाता कैसे होता है। अब है एट ऑल दी टाइम्स, यहाँ पर जो लिखा था उसका मतलब है वर्किंग डेज में और बिजनेस आवर्स में, और ऑब्वियसली यही होता है जब हम जाते हैं किसी ऑफिस में, मतलब किसी कंपनी में वाउचिंग करने, ऑडिटर एज ए ऑडिटर, तो वहां पर क्या होता है वर्किंग आवर्स में हम आते हैं, वर्किंग आवर्स में जैसे उनकी छुट्टी होती है वैसे हम जाते हैं, तो थोड़ा अपनी फर्म की टाइमिंग से भी बच जाते हैं। आई थिंक ये आर्टिकलशिप वाले बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ क्या होता है। ये थोड़ा सा डार्क नहीं है, मैं एक मिनट राइट करके बताता हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, इसमें मिस्टर एक्स ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, ऑडिट कर रहे हैं, इसकी एक सब्सिडरी है ए बी कंपनी, ठीक है। अब ए बी कंपनी में वाई ऑडिट कर रहे हैं, इसकी जो बैलेंस शीट बनेगी उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, इस पे ऑडिटिंग एक्स करेंगे, ओपिनियन भी एक्स ही देंगे, ठीक है। यहां पर वाई इसकी ऑडिट करेंगे और बैलेंस शीट की, मतलब इसकी जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है ए बी कंपनी की जो सब्सिडरी है, वाई इसकी ऑडिट करेंगे, ओपिनियन भी वाई देंगे, लेकिन जो इन दोनों की कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनेगी ना,
अब कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्या होती है, हमने पढ़ा है वैसे तो अकाउंट्स में कि ये कंसोलिडेट बनती है। हम शेयर मार्केट में भी देखते हैं, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो काफ़ी साइट्स पे कंसोलिडेट बैलेंस शीट ही दी होती है काफ़ी कंपनीज की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखा तो। अभी टाइम होता तो दिखा देता, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये होता है कि बैलेंस शीट दोनों की जब कंसोलिडेट होती है तो इस पे कौन देता है, इस पे फिर जो प्रिंसिपल कंपनी है ए थी यहां पर, तो इसका एक्स जो है ये यहां पर मतलब इस बैलेंस शीट पे वो ओपिनियन देगा, ओपिनियन, ठीक है। तो इसमें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का भी हमारे पास राइट है कि उसकी हम बुक्स देख सके, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेट रिपोर्टिंग इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि भाई जब हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग करेंगे, ओपिनियन देंगे, तो भाई हमारा राइट है ना कि सब्सिडरी कंपनी की भी हम कुछ नॉलेज ले सके, कोई बुक्स इंस्पेक्ट कर सके या फिर कोई रिकॉर्ड देख सके, तो वो अलाउ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 राइट ऑफ कंपनीज ऑडिटर।